हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका जेके एस एस बी इनोवेटिव यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी जेके एस एस बी के रिलेटेड और भी कोई जॉब अपडेट के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, ऑर्डर हो, सिलेबस हो, सबसे पहले हम आपको अपडेट करते हैं। तो आज एक सबसे बड़ा इशू जो गरमाया हुआ था जम्मू कश्मीर में कि जो जेके पी एस आई का एग्ज़ाम को लेके था कि ये यहाँ पे धांधली हुई है, फिर इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी के बाद कुछ चीज़ें सामने निकल के आई, फिर सीबीआई नोटिफिकेशन, सीबीआई की बात चली कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो आज उसका जो बच्चे वेट कर रहे थे कि ठीक है ट्वीट तो करती एलजी सर ने, बट उसका जो ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो कब आएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे पूछ रहे थे कि यार री रिक्रूटमेंट होगा या री एग्ज़ाम। तो देखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर में ये साफ लिखा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ना कि रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई। मतलब ये है कि जो बच्चे पहले ही इसके लिए एलिजिबल थे, जिन्होंने फॉर्म लगाए थे, उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा फिर से, ना कि न्यू नोटिफिकेशन होगी, न्यू एडवर्टाइजमेंट होगी। क्योंकि अगर न्यू एडवर्टाइजमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता था कि जिन बच्चों ने टाइम दिया है, जिनकी एज हो रही है, जो 30 साल के हो चुके हैं, वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सिंपल ये दिख रहा है कि इसमें ये लिखा है ऑर्डर में कि कैंसलेशन ऑफ OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पुलिस होम डिपार्टमेंट। तो आप ये देख सकते हो, इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो खाली एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ना कि रिक्रूटमेंट। ये गुड न्यूज़ है, अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, ये गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया था, जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो अभी की ये अपडेट है, और आगे कोई भी अपडेट होगी, सीबीआई का भी एफआईआर सीबीआई कल या परसों सुनने में आ रहा है कि इस पे एफआईआर लगाने जा रही है। तो अगर कुछ भी होता है अपडेट, मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले